दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा क्लर्क की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। ये परीक्षाएं 21, 22 और 23 को आयोजित की गई थी। बच्चों के एग्जाम सेंटर काफी दूर गए थे, बहुत से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत से बच्चों की तो परीक्षाएं छूट गईं। अब देखिए, 2 दिन के बाद आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी, और कुछ बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है और कुछ का खराब। देखिए, जिनका अच्छा हुआ एग्जाम और जिनका खराब हुआ एग्जाम, वो सभी बच्चे हरियाणा की अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। आज से मैं आप सभी बच्चों को हरियाणा पुलिस और SI की तैयारी शुरू करवाता हूँ। आप सभी बच्चे हमको सपोर्ट करें ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आपकी हरियाणा क्लर्क की परीक्षा हुई थी, इसमें टोटल वैकेंसी थी 4,858, ठीक है, और इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था 15 लाख, टोटल फॉर्म 15 लाख अप्लाई हुआ था, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, और इसका जो कट ऑफ है वो भी बहुत हाई जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी है। अगली परीक्षा जो आपकी होगी वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और SI की होने वाली है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो वो तैयारी स्टार्ट कर दें, और जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है तो वो इस सोच में हैं कि अगली भर्ती की हम तैयारी नहीं करेंगे, तो वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें और तैयारी को स्टार्ट कर दें एक नए रूप में, ठीक है। तो आज से मैं आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के और SI की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, 17/4/2016 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था प्रथम पाली में, ठीक है। तो इसमें मैं आपको GK और GS के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आप चाहें तो इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा और मैं आंसर पुटअप कर दूंगा। तो जिन बच्चों ने पानीपत आंसर चूज किया है, राइट है। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो देखिए, हरियाणा आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण ये किया गया था 1 नवंबर 1966 में। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चूज किया तो वो सही है। 22वां क्वेश्चन, तिलियर नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका सी, रोहतक। 23 क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए? आंसर हो जाएगा आपका बी, श्री धर्मवीर। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चूज किया है तो उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चूज किया है तो उनका आंसर सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, फरीदाबाद व हिसार। 27 क्वेश्चन, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ए, चूना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुलसी किस खेल से संबंधित हैं? जो गीता जुलसी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो गीता जुलसी ये दौड़ से संबंधित हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकी राम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? तो कौन सा किया था? आंसर हो जाएगा आपका बी, संदेश। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? तो देखिए, हरियाणा के जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर स्थित है। 31 क्वेश्चन, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है?
तो श्री कृष्ण संग्रहालय ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। 32 क्वेश्चन, चावर का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो चावर का उच्चारण ये होता है तालु से। इसमें आपको सही वर्तनी का चयन करना है, तो बताइए सही वर्तनी क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? तो देखिए भौतिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका आध्यात्मिक। 35 क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द होगा आपका संविधान। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2016 को किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपकी परीक्षा हुई थी प्रीवियस ईयर में कॉन्स्टेबल की। आंसर डी, फ्रांस। सुंदर पिचाई का नाम किस कंपनी से संबंध है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, सुंदर पिचाई का नाम किस कंपनी से संबंध है? तो इनका संबंध है गूगल से। आंसर हो जाएगा बी आपका, गूगल। मिस वर्ल्ड 2015 सुश्री मीरिया लाल गुना रोय किस देश की हैं? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर हो जाएगा आपका ए, स्पेन। एकेडमी अवार्ड 2016 ऑस्कर में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला? तो किसको मिला? आंसर हो जाएगा आपका सी, स्पॉटलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ? तो किसके स्थान पर कार्यरत हुआ? आंसर हो जाएगा आपका वी, योजना आयोग। 45 क्वेश्चन, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर कई प्रमुख टूर्नामेंट जीते। मार्टिना हिंगिस संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित हैं? स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किस दिन मनाई गई? किस दिन मनाई गई ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका सी, 22 दिसंबर। 47 क्वेश्चन, जनवरी 2016 में विश्व राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की थी? जनवरी 2016 में विश्व राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी ये की थी छत्तीसगढ़। यह आपका करंट का क्वेश्चन पूछा गया, दिसंबर 2015 में नई दिल्ली में आरंभिक प्रो रेसलिंग लिंक टाइटल किसने जीता? दिसंबर 2015 में नई दिल्ली में आरंभिक प्रो रेसलिंग लीग टाइटल ये जीता था मुंबई गरुड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2016 में किस बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी ने अपने डायबिटीज जागरूकता अभियान में सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जनवरी 2016 में किस कंपनी ने बनाया था ये आपको पहले बता दें। तो देखिए ये बनाया था नोवो नोडिस्क ने, कई फार्मा कंपनी ने, जिसने अपने डायबिटीज जागरूकता अभियान में सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आंसर हो जाएगा आपका टी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो किसने दी थी ये पूछ रहा है, ये दी थी जहांगीर ने। आंसर हो जाएगा आपका बी, जहांगीर ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी काल्पनिक धुरी पर एक बार की घूर्ण अवधि कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी की अपनी काल्पनिक धुरी एक बार की घूर्ण अवधि है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 52 क्वेश्चन, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? तो देखिए वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है। 53 क्वेश्चन, लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी सामान्यतः ये पाई जाती है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में, इन राज्यों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 1949 में राज्य स्वामित्व का संस्थान बना। 55 क्वेश्चन, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान का प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद होने की स्थिति में क्या होगा? तो क्या होगा? केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, खुजराहों में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो खुजराहों में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक था इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां तथा भित्ति चित्र मिलते हैं? अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में ये सभी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मूर्तियां भित्ति चित्र मिलते हैं। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर उठता है? केशिकोश से लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश ये विकिरण से पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है लोहे में। अगला क्वेश्चन, पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है? तो पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है पत्तियों में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन शुरू हुआ? तो भूदान आंदोलन ये शुरू हुआ था अप्रैल 1951 में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। 68 क्वेश्चन, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? तो मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपिकल्चर। अगला क्वेश्चन, पंत सम्राट प्रजाति है? तो पंत सम्राट प्रजाति है बैगन का। 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? वो है क्रांति। अगला क्वेश्चन, जाफरावादी भैंस पाई जाती है? तो जाफरावादी भैंस पाई जाती है गुजरात में। 72 क्वेश्चन, गहन पशुधन विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? आंसर हो जाएगा आपका ए, तीसरी। अगला क्वेश्चन, पशु प्लेग रिंडरपेस्ट का कारण है? तो पशु प्लेग रिंडरपेस्ट का कारण है विषाणु। अगला क्वेश्चन, गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो गाय का जीवन काल सामान्यतः 20 से 25 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है? तो मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है कर्नाटक। 76 क्वेश्चन, पोलियो की दवा का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो की दवा का आविष्कार किया था जोनास सॉल्क ने। 77 क्वेश्चन, खाने वाला नमक है? तो खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड। इसमें ये पूछ रहा, देखिए, निम्न कालों को सुमेलित कीजिए। तो इन कालों को सुमेलित करना है, किस चीज से कौन सुमेलित है? तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, अगला क्वेश्चन है, सहती और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? सहती और ऊर्जा के बीच ये संबंध स्थापित किया था आइंस्टाइन ने। 80 क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर HJ भाभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये स्थित है पुणे में। 83 क्वेश्चन, किस रोग की रोकथाम के लिए VCG का टीका लेना चाहिए? तपेदिक क्षमता, तपेदिक यग्मा की रोकथाम के लिए VCG का टीका लेना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है, हंसाने वाली गैस है, तो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक दाता रक्त समूह है, तो सर्वाधिक दाता रक्त समूह है ओ। 86 क्वेश्चन देखते हैं, पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है।